तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप क्यों बार बार फेल हो रहे हो ऑनलाइन में पैसे बनाने में या किसी भी काम में जो आप कर रहे हो। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको जानना है व्हाई आर यू गेटिंग फेल नॉन स्टॉप, व्हाई आर यू गेटिंग फेल वन बाय वन, व्हाई आर यू गेटिंग फेल टू मेक मनी ऑनलाइन, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्यों बार बार फेल हो रहे हो ऑनलाइन में पैसे बनाने में। तो अगर आप जानना चाहते हो क्यों आप फेल हो रहे हो और आपको क्या करना चाहिए कि आप अर्निंग कर सको, क्या करना चाहिए कि आप ग्रोथ ले सको, क्या करना चाहिए कि आप ऑनलाइन फील्ड में सक्सेस हो सको, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, मैं बता दूं, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। यहाँ आपको ऑनलाइन से रिलेटेड सारे लेजिट वीडियोज़ मिलेंगे कि आप कैसे अर्निंग कर सकते हो। गाइस, ये वीडियो मैं बहुत ही ज़्यादा मीड नाइट में शूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आज पूछे गए हैं जो जिसका आंसर देना मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बताना लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे ऑनलाइन से पैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको भी इस सेगमेंट में पूरी चीज़ें समझनी है, जाननी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और एक लाइक जरूर देना जो मुझे मोटिवेट करता है कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो मैं ले गया हूँ। आपने जो 5 से 7 मिनट या 10 मिनट दिया इस वीडियो को देखने के लिए, 101% गाइस, ये जो टाइम आप देते हो मेरे वीडियोस को देखने के लिए, मेरा जो पूरा कोशिश रहता है कि आपको अच्छे से अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर सकूं, वैल्यू मैं आपको देना चाहता हूं, लेकिन तभी आपको वैल्यू आपके दिमाग में जाएगी जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। और मैं इसकी गारंटी देता हूं कि अगर आप 5, 7 या 10 मिनट देते हो मेरी वीडियोज़ को डेली देखने में, तो मैं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू डेली ऐड करूँगा जिससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने मिलेंगी और आप काफ़ी ज़्यादा पैसे अर्न करोगे ऑनलाइन में। ये मेरा दावा और वादा दोनों है आपसे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक करना, एक लाइक आपको मोटिवेट करता है मुझे डेली वीडियो बनाने में। अभी रात के 3 बज रहे हैं और मैं शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वीडियो, क्योंकि मुझे जो लगा आज का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ, बात ये हुई कि एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर में जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, हमेशा थोड़े थोड़े डेली में वीडियोज़ आते रहती हैं एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर, क्योंकि मेरा मेन वर्क वही है। तो एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर जब वीडियोज़ आती है, तो आज क्या हुआ, कुछ एक बंदे ने कहा कि मैं मैक्स बॉन्टी से पैसे कमा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैक्स बॉन्टी स्कैम है। तो इस समय कुछ मेरा मूड ऐसे हुआ कि मैक्स बॉन्टी को बंदा स्कैम बोल दिया। सो आई थिंक वो इस चीज़ को नहीं जानता होगा कि मैक्स बॉन्टी क्या है, और मैक्स बॉन्टी कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई MLM नहीं है। इट्स अ ह्यूज कंपनी, जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी कंपनीज हैं, वैसे ही मैक्स बॉन्टी एक कंपनी है जो लोगों को ट्रैफिक ला के अलग अलग साइट्स पे देती है और उनकी चीज़ों को सेल करवाती है। ठीक है, तो उसको पता नहीं होगा आई थिंक। ठीक है, लेकिन मैं उसके लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप क्यों नहीं एफिलिएट में सक्सेस हो पा रहे। तो आज मैं जो चीज़ें आपको बोल रहा हूँ वो आप अपने दिमाग में डाल लो, जब आपके दिमाग में वो चीज़ें मतलब घुस जाएंगी तो आप बिल्कुल सक्सेस होंगे। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है, सो व्हाई आर यू गेटिंग फेल मेकिंग मनी ऑनलाइन, तो बहुत सारी चीज़ों में इसको तोड़ तोड़ के बोल सकता हूँ, लेकिन आप क्यों फेल हो रहे हो एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहला पॉइंट ये है कि मैं अगर आप पैसे के पीछे भाग रहे हो ऑनलाइन में, ठीक है, ऑनलाइन में आप आ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप यूट्यूबर हो, आप कोई फेसबुक का पेज मैनेज कर रहे हो, आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो, या कुछ भी कर रहे हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, आप रीसेलिंग कर रहे हो, आप एडमॉप का बिजनेस कर रहे हो, आप गूगल एडसन का बिजनेस कर रहे हो, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो ऑनलाइन में, इट्स टेक टाइम। कम से कम आपको 6 महीने इसमें लग के काम करना होगा एक प्रॉपर पैसे के लिए। लोग यहाँ 2-2 साल, 3-3 साल लग के काम करते हैं, उनको एक पाई नहीं आती, एक पैसा नहीं आता। मैं 6 महीने गारंटी देता हूँ, अगर आप रात दिन एक सही डायरेक्शन में काम करते हो। देखो दोस्त, हर जगह कुआं खोदना चाहोगे ना, हर जगह मतलब हर जगह गड्ढा खोद के पानी निकालना चाहोगे तो पानी नहीं निकलेगा। एक ही जगह गड्ढा खोदना पड़ेगा पूरी ताकत लगा के, तब जाके वहाँ से पानी निकलेगा। जो आप दिमाग में सोच रहे हो, जो आपके दिमाग में इस समय चल रहा है कि आपने कभी कुआं खोदते देखा है, तो जब एक ही जगह पूरी खुदाई की जाती है गहराई में, तब वहाँ से पानी निकलता है। वैसे ही ये जो ऑनलाइन है ना, यहाँ पर भी वही चीज़ होती है। यहाँ पर भी आप एक जगह आपको पूरा अपना माइंडसेट ले जाके गड्ढा खोदना पड़ता है, फिर जाके वहाँ से आपको पानी निकलना स्टार्ट होता है। तो आप अगर ऑनलाइन में आते हो, तो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कई चीज़ों कई साइट से होती है, JVU हो गया, मैक्स बॉन्टी हो गया। मैक्स बॉन्टी इज़
नॉट एफिलिएट साइट, दैट इज सीपीए साइट, वहाँ आपको पर लीड का पैसा मिलता है, ठीक है। खैर उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। तो एफिलिएट अगर आप करते हो तो अमेजोन से कर रहे हो, तो अमेजोन में लोकल एफिलिएट कर रहे हो, तो आप उस पर ध्यान दो, पूरा उस पर एक एक्सपर्ट बनो जाके। अगर आपको उस पर अर्निंग करनी है तो एक्सपर्ट बनो उस पर जाके, ठीक है। तो आप वहाँ से आगे अर्निंग करना स्टार्ट करो, एक्सपर्ट बनो, एक चीज़ पकड़ो एक्सपर्ट बनो, एक चीज़ पकड़ो एक्सपर्ट बनो, दिमाग वहाँ ले जाओ, वहाँ घुसा दो, फोकस रखो। व्हाट इज फोकस? फोकस मीन्स से टू नो मोर 100 गुड आइडियाज, समझ रहे हो। फोकस का मतलब यही है कि जो आप और भी जो चीज़ें हैं ना, जो और भी मतलब एक चीज़ें आप पकड़ लिए, मान लो आप YouTube पकड़ लिए, तो इसके बाद आपको 100 अच्छे ऑप्शन मिल रहे हैं YouTube से, लेकिन उनको नो बोलो, नो बोलने की हिम्मत लाओ, उनको नो कर दो, नहीं चाहिए मुझे, बिकॉज मेरा फोकस अभी YouTube पे है। तो वो चीज़ होती है फोकस। तो फोकस से काम करो, ठीक है, और टाइम लगता है। तो मतलब ऐसे डर के आगे किसी को मतलब मत बोल दो कि स्कैम है, नहीं स्कैम नहीं है बच्चे, तुम नहीं जानते उसके बारे में, समझ, तुम नहीं समझ पा रहे हो क्या चीज़। इट्स नॉट मीन दैट इज स्कैम। बहुत लोग इजी बोल देते हैं स्कैम है, दैट इज नॉट स्कैम, आप नहीं जानते उसके बारे में, सो यू आर सेइंग स्कैम, दैट इज नॉट स्कैम मैन, दैट इज नॉट स्कैम। हर चीज़ को टाइम लगता है, अपने माइंड में बैठाओ चीज़ों को, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि टेक्स टाइम, फोकस रहो, ठीक है। सेकेंड चीज़ है कंसिस्टेंट। अगर दोस्तों आप किसी चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आप उस चीज़ को हासिल करने नहीं जा रहे हो। व्हाट इज़ कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट क्या होता है, अब कुछ लोग सोच रहे हैं। कंसिस्टेंट यानी देखो, मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ, डेली वीडियोस बनाते हैं, मेरी वीडियो पे डेली के 1000 व्यू नहीं आते, आप जैसे चेक कर सकते हो, 1000 व्यू नहीं आते मेरी वीडियो, लेकिन वाई आई एम मेकिंग वीडियोज डेली, बिकॉज ये कंस्टेंट, मैं कंस्टेंट काम करे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है एक ना एक दिन मेरी वीडियो वायरल होगी, जब मेरे 100K या 200K सब्सक्राइबर हो जाएंगे। कभी भी वायरल हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन कब होगा? जब मैं अपने काम पे कंस्टेंट रहूँगा, अपने काम पे बिलीव करूँगा, तब। अगर मैं आज काम करता हूँ और 2 हफ्ते बाद एक वीडियो डालता हूँ, फिर 2 हफ्ते बाद एक वीडियो डालता हूँ, फिर 3 हफ्ते बाद एक वीडियो डालता हूँ, या आज काम करता हूँ परसों नहीं करता हूँ, फिर नर्सों वीडियो डालता हूँ, फिर नर्सों एक वीडियो डालता हूँ, फिर उसके बाद 1 हफ्ते बाद वीडियो डालता हूँ, तो ये कंस्टेंट नहीं है। मैं अपने काम पे फोकस नहीं हूँ, कंस्टेंट नहीं हूँ, तो मेरी कोई वीडियो वायरल नहीं जाने वाली, मैं कभी भी यूट्यूब पे सक्सेस होने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट टेक्स टाइम, सेकेंड कंस्टेंट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, विथ फोकस, फोकस हर चीज़ में ज़रूरी है। तो कंस्टेंट रहो, फोकस रहो। थर्ड, सर्च करो चीज़ों को। मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, ये प्रैक्टिकल करके, वो प्रैक्टिकल करके, ये ट्रिक ला के, वो ट्रिक ला के, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारी चीज़ें उठा के आपको दिखा दिया हूँ। बिहाइंड द सीन, इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत पड़ती है। बिहाइंड द सीन क्या क्या हो रहा है, मैं जाके एडिट कर रहा हूँ, मैं जाके इसका यूज़ कर रहा हूँ, उसका यूज़ कर रहा हूँ, इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा हूँ, थंबनेल बना रहा हूँ, फिर उसके बाद इसको अपलोड कर रहा हूँ, टैग्स लगा रहा हूँ, तो ये सब बिहाइंड द सीन है। वैसे ही बिहाइंड द सीन एफिलिएट मार्केटिंग में काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं जो आपको नहीं पता, जो आपको नहीं पता, और मैं हर चीज़ें इस वीडियोज़ में नहीं दिखा सकता। तो जो चीज़ मैं बताता हूँ उसको जाके आप सर्च करो, सर्च, गूगल, गूगल करो, गूगल करो। गूगल में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। हालांकि मेरे हिसाब से, मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन राइटिंग, तो मैं बोलता हूँ कि आने वाले समय में, कुछ सालों बाद, वेबसाइट्स का कोई रोल नहीं रह जाएगा। वीडियो मार्केटिंग गोइंग टू ऑन बूम, ठीक है, ये मेरा मानना है, आई थिंक। हाँ, और बहुत सारे एक्सपर्ट भी ऐसा बोलते हैं कि वीडियो मार्केटिंग आने वाला कल है, जो वेबसाइट्स हम ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि जो बहुत सारी नॉलेजेस रहती हैं, जो नॉलेज मिलती हैं हमको, वो वेबसाइट से मिल जाती हैं। तो गूगल ज़रूर किया करो ये सारी चीज़ें जानने के बाद, ठीक है। तो ये जो 3 चीज़ें, इस पर ध्यान रखो। और जो चौथी चीज़ है गाइज, वो है स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। डुबा दो अपने को उस चीज़ में, समझो उस चीज़ों को, समझो गाइज। मैं अभी भी और सालों से हर दिन 10-10 घंटे काम करता हूँ, 10-10, 12-12 घंटे काम करता हूँ। वाई? 3 बज रहे हैं रात की, आई एम शूटिंग दिस वीडियो फॉर यू, बिकॉज मेरा काम है आपको वैल्यू प्रोवाइड करना, आपको सही चीज़ें बताना। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आज बताए हैं, क्यों आप फेल हो रहे हो, क्योंकि आप इनमें से कुछ ना कुछ चीज़ें मिस कर रहे हो, या तो आप सही से प्रॉपर रिसर्च नहीं कर रहे हो, आप प्रोसेस नहीं देख रहे हो कि कौन से प्रोसेस काम आते हैं, किन प्रोसेस से आप वहाँ तक पहुँच सकते हो, आप इन चीज़ों को नहीं ढूंढ रहे हो, आप अंधाधुंध चले जा रहे हो, या तो आप कंस्टेंट नहीं हो, या तो आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हो, या तो आप फोकस नहीं हो, या तो आपको अभी तक, अगर आप अमेजोन में काम कर रहे हो, तो आपको अभी तक उसकी नॉलेज नहीं हुई है। गाइज मैं एक चीज़ बता दूँ, हार्डवर्क इज़ मस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप
हार्डवर्क नहीं भी करना चाहते ना, तो मैं जो बोल रहा हूँ, जो स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, उसको प्रॉपरली फॉलो करो। वहाँ आपको ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बनाया ग्रुप, ठीक है, जो ग्रुप आपको अभी इसके नीचे भी मिलेगा, एफ बी का एक ग्रुप बनाया, जिसमें मैंने कहा अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग से लोकल में अर्निंग करनी है तो चलो साथ मिल के करें। वहाँ लोगों को समझ नहीं आया आई थिंक, चलो आज उसकी थोड़ी सी 2 मिनट बात कर लेते हैं। तो मैंने वो ग्रुप क्यों बनवाया, मुझे ज़रूरत नहीं है, आई एम प्रो, ठीक है, प्रो लेवल पे हूँ मैं एफिलिएट मार्केटिंग का। मैं डिजिटल चीज़ों को बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, चीज़ों को बेच रहा हूँ, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ और अर्न कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी लोकल में एफिलिएट नहीं किया था, ठीक है। अभी ट्राई कर रहा हूँ अमेजोन से एफिलिएट करने की, ठीक है, अभी भी मैं फोकस नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अपना टाइम निकाल कर उस पर फोकस करूँ, और आई थिंक कल भी मैंने 2 प्रोडक्ट डाले हैं पेज पे, तो ऐसे मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो वो तो ठीक है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए ग्रुप क्यों बनवाया, मैंने ग्रुप इसलिए बनवाया क्योंकि गाइस देखो, जब आप अकेले जाओगे एफिलिएट मार्केटिंग करने तो आपको बहुत सारे ग्रुप मिलेंगे, बहुत सारे ग्रुप में आप जाओगे, ऐड डालोगे, कहीं आपको अलाउ किया जाएगा, कहीं आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, तो मैंने उस ग्रुप को क्रिएट किया जो आपको इसके नीचे मिल जाएगा। अभी भी काम चल रहा है लेकिन उतना फोर्सफुली, उतना फास्ट काम नहीं चल रहा है। तो मैंने वो ग्रुप बनाया कि हम सब एक साथ मिलके जब हमारे पूरे एफ बी फ्रेंड्स को उसमें ऐड कर देंगे, अगर हम 100 लोग भी मिलके पूरे अपने 1000 फ्रेंड को ऐड करते हैं, तो आप मान लो कि 1,00,000 लोग होते हैं, चलो 1,00,000 को हटाओ, 10% लेके आते हैं, 10,000 लोग हम अपने प्रोफाइल से ऐड करते हैं, अगर हम लोग 100 लोगों को भी ऐड करते हैं, 100 लोग मिलके, तो पॉसिबल है गाइस, पॉसिबल। लोगों के 5,000 फ्रेंड होते हैं, आप 100 फ्रेंड तो वहाँ ऐड कर सकते हैं, इजी, फट फट, बस ऐड पे क्लिक करना है, ऐड मेंबर, हो गया ऐड, और क्या करना है, इतना लोग काम नहीं कर पाते, आई कॉन्ट बिलीव। तो आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि आप पैसा अर्निंग करने जा रहे हो, यू आर गेटिंग फेल। अगर आप इतना काम नहीं कर सकते तो आप जा रहे हो फेल होने। और जब ये 100 लोग मिलकर डेली पोस्ट करते हैं और उसको अलग अलग ग्रुप में शेयर करते हैं, ठीक है, कोई भी ग्रुप में, अब मैं बैग का पोस्ट डाला कि ये बैग इतने में ऑफर में मिल रहा है, 60% ऑफ है, तो अब मैं अपने उसमें तो डाल दिया, अपने ग्रुप में तो डाल दिया, अब उस ग्रुप में शेयर करके मैं उस ग्रुप में शेयर कर सकता हूँ, जैसे स्कूल का कोई ग्रुप है, कॉलेज का कोई ग्रुप है, मैं उसमें शेयर कर दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनको बैग की ज़रूरत है, तो वो बैग खरीदेंगे, तो मैं वहाँ शेयर किया, वो देखेंगे 60% ऑफ, चलो चलते हैं बैग खरीदते हैं, तो वहाँ से मुझे सेल जनरेट होगी। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, वो अपने ग्रुप में भी आएंगे, आपका ग्रुप में एक ऑथराइज बनेगा कि आप इस ग्रुप के मेंबर हो, प्लस मॉडरेटर हो, प्लस ये ग्रुप आप लोगों का है, और आप जब 100 लोग मिलके जब इस ग्रुप को आगे बढ़ाओगे तो ग्रुप में ट्रैफिक बढ़ेगा, ट्रैफिक हर तरफ से आएगा। मान लो आपके ग्रुप में 1,00,000 का ट्रैफिक हो जाता है, अगर 10% भी लोग एक्टिव हैं, और आपके ऑफर में अगर डेली के 100 लोग भी अगर आपके ऑफर में आते हैं, तो डेली का आपको 1,000 रुपये में अर्निंग होगी, 1,000 रुपये में, 10-15,000 रुपये कहीं नहीं जाते हैं एफिलिएट मार्केटिंग में डेली के, और ये बहुत ही ज़्यादा इजी टास्क है। चलो छोड़ो, वो भी लोगों को हजम नहीं होता, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है क्या चल रहा है जीवन में, क्या चल रहा है ऑनलाइन में, और पीछे आओ 1,000 रुपये, समझ लो 1,000 रुपये भी आपको आते हैं, 30,000 रुपये मंथली बनते हैं, बहुत रेयर बता रहा हूँ मैं, रेयर बता रहा हूँ, इससे कई ज़्यादा, कई गुना पैसे आते हैं। दोस्तों प्लीज़ इन सब चीज़ों पे ध्यान दो, ये स्कैम सिर्फ छोटी कंपनीज़ के साथ होता है, जो डेली आती हैं, डेली जाती हैं, ये सब स्कैम नहीं है, ये सब बहुत ही बड़े बड़े बिजनेस हैं, जिसमें लोग 100K डॉलर, 70-80 लाख रुपए अर्निंग कर रहे हैं, करोड़ों में कई लोग कर रहे हैं। सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, फोकस ऑन दैट, कंस्टेंट रहो, काम करो, वर्क करो, ये सब फालतू की चीज़ें छोड़ो, कौन स्कैम है कौन नहीं है, मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको लो और उसको इम्प्लीमेंट करो, एक्शन लो, तब आप जाओगे जीतने। मैं टाइम पास करने नहीं आया हूँ, आई एम हियर फॉर यू, कि आपको मैं वैल्यू दूँ और आप उसका यूज़ करो। सो प्लीज़ गो एंड यूज़ गाइज, गो एंड यूज़, बिग अपॉर्चुनिटी ऑन इंटरनेट नाउअडेज, जो आज से पहले नहीं थी, लोग जाके ठेले पे बेचते थे सामान, ठीक है। अब बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को सुनना, वो बताते हैं कि पहले क्या होता था, ठीक है, मैं बहुत बूढ़ा नहीं हूँ कि आपको वो सदियों की बात बता दूँगा, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि मैं जो सुनता हूँ, जो मुझे पता है, जो ये एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर, ये बिजनेसमैन बताते हैं, ये इंटरनेट मार्केटर बताते हैं कि पहले कितनी मुश्किल होती थी, अभी बहुत ही ज़्यादा ईजी है, बस जाओ एक्शन लो और जीतो गेम को। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, नया हो तो सब्सक्राइब करना।